नमस्कार दोस्तों, रिएजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत का संवैधानिक विकास भाग 2 है। जैसा कि आपको पहले से ही जानकारी है, इसके पूर्व के लेक्चर में संविधान के विकास के संदर्भ में भाग 1 पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो भारत के संवैधानिक विकास का दूसरा और अंतिम भाग आज इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग आज का ये क्लास प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि पूर्व में भी आप लोगों को ये बताया गया था कि भारत का संवैधानिक विकास 2 भागों में बटा हुआ था, एक कंपनी के अधीन शासन और क्राउन के अधीन शासन। तो कंपनी के अधीन शासन पर हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं और रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के और 1853 ईस्वी के अधिनियम तक हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, जो कंपनी के अधीन शासन व्यवस्था और नियम कानून के बारे में अध्ययन करता है और जो संविधान में किसी न किसी रूप में अपना योगदान करता है। आज का ये क्लास और लेक्चर क्राउन के अधीन शासन पर आधारित है। क्राउन के माध्यम से किस तरीके से भारत में विभिन्न प्रकार के नियम बनाए गए और धीरे धीरे हम संविधान को बनाने की दिशा में अग्रसर हुए, वे नियम कानून संविधान के निर्माण में योगदान देते हैं या वहां की व्यवस्थाओं को लिया गया है संविधान के बनाने में। तो इसके अंतर्गत पहला जो अधिनियम है वो भारत शासन अधिनियम 1858 है। भारत शासन अधिनियम 1858 1 नवंबर 1858 ईस्वी को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को पढ़े जाने के साथ ही लागू हो गया था। यह घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़ा गया था। तो इस अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था में अगर देखा जाए तो व्यापक परिवर्तन किया गया और भारत के यहाँ के संदर्भ में ब्रिटिश जो पॉलिसी थी उसमें परिवर्तन दिखाई पड़ता है, क्योंकि पहली बार ब्रिटेन के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि वो भारत के मामलों में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि जो व्यवस्था अब तक बनाई गई थी उस पर शासन करने और व्यापार करने को वो अब वह लक्ष्य बनाकर आगे चलने लगा। तो ऐसी स्थिति में देसी रियासतों के प्रति उसकी नीति में परिवर्तन आया। तो इसमें सबसे पहला जो परिवर्तन था वो देसी रियासतों के संदर्भ में था। देसी रियासतों के संदर्भ में उसमें परिवर्तन आया। उन्होंने यहाँ के साम्राज्यवादी नीतियों को छोड़ दिया। तो भारत शासन अधिनियम के माध्यम से अंग्रेजों के द्वारा साम्राज्यवादी नीतियों का परित्याग कर दिया गया और यह भारत के धार्मिक और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप छोड़ दिया। तो भारत शासन अधिनियम 1858 के माध्यम से ये पहला प्रयास था जिसके द्वारा उन्होंने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप छोड़ दिया, क्योंकि अब वो जो भी व्यवस्था प्राप्त कर चुके थे उसे बनाए रखने के सिद्धांत का समर्थन करना चाह रहे थे। तो ऐसी स्थिति में देसी रियासतों के प्रति उनकी नीति में बदलाव आया। और दूसरा, इसके माध्यम से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। ये जो द्वैत प्रकार की व्यवस्थाएं आ रही थी इसको समाप्त कर दिया गया। और आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ये व्यवस्था पिट्स के इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में व्यवस्था की गई थी। इसके स्थान पर यहाँ पर भारत सचिव का पद, भारत सचिव का पद सृजित किया गया। यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि भारत सचिव भारत का कोई व्यक्ति नहीं था, बल्कि ब्रिटेन के मंत्रिमंडल कैबिनेट का एक सदस्य होता था जिसे भारत के मामलों को देखने की जिम्मेदारी दे दी गई। भारत के संदर्भ में संपूर्ण शक्ति इनके पास होती थी और ये यहाँ के कार्यों के बारे में ब्रिटेन को रिपोर्ट करते थे, वहाँ के सम्राट यानी कि वहाँ की व्यवस्था को रिपोर्ट करते थे। तो इस तरीके से यहाँ पर भारत सचिव का एक नया पद सृजित किया गया। तीसरी महत्वपूर्ण व्यवस्था इनके लिए जो परिषद की व्यवस्था की गई थी उसमें, जिसके माध्यम से ये यहाँ की व्यवस्था की निगरानी करते थे, देखभाल करते थे, उसमें 8+7=15 सदस्य होते थे। सब 15 सदस्यीय जो एक परिषद की जो व्यवस्था, 15 सदस्यीय एक परिषद की व्यवस्था की गई जिसके माध्यम से भारत सचिव यहाँ की शासन प्रणाली को संचालित करता था। इनमें ही परिषद के सदस्य भारत सचिव की सहायता करते थे। तो इस तरीके से देसी रियासत भारत में सचिव का पद और परिषद की व्यवस्था की गई। अगली एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जो थी, पूर्व में भारत के गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल का पद 33 में आप लोगों ने देखा था
बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। वेंटिक वहां पर पहले अंतिम जो है गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसी तरीके से यहाँ पे कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम वायसराय थे। तो दोनों इन्हीं के समय में ये परिवर्तन हुआ जब वो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, इसीलिए अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय दोनों का ही पद इन्हीं के पास था। तो इस तरीके से वहां यहाँ पर वायसराय का जो है पद सृजित कर दिया गया। तो यहाँ पर भारत शासन अधिनियम के माध्यम से काफी कुछ बदलाव, नीतिगत मामलों में बदलाव किया गया। तो अगर ये सवाल बनता है कि भारत के संवैधानिक विकास में वो कौन सा भारत शासन अधिनियम है जहां पर काफी आमूलचूल परिवर्तन किया गया, तो ये भारत शासन अधिनियम 1858 था, क्योंकि इसके नीतिगत मामलों में परिवर्तन किया गया। यहाँ की शासन व्यवस्था पूरी तरीके से कंपनी से हटा करके अब सम्राट या साम्राज्य के नियंत्रण में ला दिया गया। तो ऐसी स्थिति में भारत शासन अधिनियम 1858 एक आमूलचूल परिवर्तन करने वाला अधिनियम था, इसीलिए इस अधिनियम को भारत को अच्छा बनाने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। यद्यपि अभी भी इसमें काफी कुछ बातें और काफी कुछ व्यवस्थाओं में परिवर्तन करना, यहाँ के लोगों को मानवीय बनाने के लिए व्यवस्था में परिवर्तन करने की अपेक्षा थी और वह उत्तरोत्तर धीरे धीरे सुधार होता गया। तो ऐसी स्थिति में भारत शासन अधिनियम 1858 एक बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम था जो पूर्व में चली आ रही कंपनी के गतिविधियों नियम कानून का खात्मा कर देती है। तो इस तरीके से 1858 का भारत शासन अधिनियम में यह व्यवस्थाएं की गई थी। अगला अधिनियम और व्यवस्था अगर हम देखें तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम है। 1861 का भारत परिषद अधिनियम में विधि निर्माण में प्रतिनिधित्व दिया गया, भारतीयों को भी प्रतिनिधित्व कुछ दिया जाने की व्यवस्था की गई, क्योंकि इसमें कुछ गैर सरकारी सदस्यों को भी नामित करने का जो प्रावधान किया गया। और पहली बार यहाँ पर तीन व्यक्ति, पटियाला और बनारस के राजा तथा दिनकर राव, तीन ऐसे व्यक्तियों को इसमें शामिल किया गया इस कार्यकारिणी परिषद में, जिसके माध्यम से विधि निर्माण में यहाँ पर स्थानीय प्रतिनिधित्व को भी बल मिला। तो ऐसी स्थिति में विधि निर्माण के बाद पहली प्रावधान 1861 के अधिनियम में किया गया। इसी तरीके से 1861 के अधिनियम में विकेंद्रीकरण को भी अपनाया गया। विकेंद्रीकरण की वो व्यवस्था को बहाल कर दिया गया। जब बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था तो उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल बनाए जाने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में जो व्यवस्था की गई थी, उस व्यवस्था के तहत गवर्नर जनरल कर दिया गया गवर्नर को बंगाल के। तो ऐसी स्थिति में मद्रास और मुंबई की भी शक्तियां विधि निर्माण की यहां पर आ गई, लेकिन इस अधिनियम के माध्यम से उसे विकेंद्रीकृत किया गया और विकेंद्रीकृत करने के अंतर्गत विधि निर्माण की शक्तियां पुनः उन दोनों मद्रास और मुंबई प्रांतों को दे दिया गया। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि इसमें विधि और विकेंद्रीकरण की व्यवस्था की गई, दोनों में वा विकेंद्रीकरण में भी और विधि में भी, दोनों ही बी से प्रारंभ हो रहे हैं, इसलिए याद करने में आपको आसानी होगी। विभिन्न प्रकार के मैगजीन्स और किताबों नोट्स में अलग अलग तरीके से दिया होता है, यहाँ पर चीजों को इस तरीके से व्यवस्थित करने का एक प्रयास किया गया है जिससे आपको समझने और तैयार करने में आसानी हो, लिखने में आसानी हो, एक कॉन्फिडेंस का विकास हो सके। तो इस तरीके से इस पैटर्न पर इसको डेवलप किया गया है। इसमें एक नई व्यवस्था जो प्रारंभ की गई वो पोर्टफोलियो व्यवस्था थी। पोर्टफोलियो व्यवस्था बेसिकली एक ऐसी व्यवस्था होती है जहां पर परिषद के एक सदस्य को एक या एक से अधिक विभागों का स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता था और काउंसिल की तरफ से, परिषद की तरफ से उसे निर्णय लेने, नियम बनाने का अधिकार प्रदान किया जाता था। तो कहीं ना कहीं यह भी विकेंद्रीकरण के इस व्यवस्था का समर्थन करता है जिसमें शक्तियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है। और चूंकि ये व्यवस्था कहीं ना कहीं पूर्व की केंद्रीकरण की व्यवस्था से अधिक उचित लोकतांत्रिक व्यवस्था बन रही थी जो कि सुधार के रूप में देखा जा सकता था। और यहाँ पर अभी भी एक अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो प्रावधान किया गया था वो ये था, अध्यादेश जारी करने की शक्ति
यहाँ पर वायसराय को जारी कर दिया गया था और वायसराय के द्वारा अध्यादेश आपातकाल में अगर 6 महीने तक उसको अनुमोदन न मिले तो भी वह लागू कर सकता था। इस तरीके से अध्यादेश के माध्यम से वायसराय की असीमित शक्तियों का यहाँ पर समर्थन किया गया था। तो मूल रूप से अगर देखा जाए तो 1861 के अधिनियम में इन 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई थी और यद्यपि ये अधिनियम तो बहुत व्यापक था परंतु इन सभी बिंदुओं के माध्यम से व्यवस्था में जो परिवर्तन और क्रमागत बदलाव की तरफ अग्रसर हुआ एक व्यवस्था भारत की, तो इस तरीके से विधि निर्माण विकेंद्रीकरण पोर्टफोलियो व्यवस्था और वायसराय के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रावधान किया गया। तो 1861 के अधिनियम में ये व्यवस्थाएं की गई थी। अब हम चर्चा करते हैं 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 1892 का भारत परिषद अधिनियम, इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडल, केंद्रीय और प्रांतीय जो व्यवस्थाएं थी उन दोनों में ही परिषदों में सदस्य संख्या बढ़ाया गया। सदस्य संख्या का व्यापक होना लोकतांत्रिक भावना के अनुकूल होता है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का प्रतिनिधि होता है, ज्यादा से ज्यादा स्थानीय और क्षेत्र की समस्याएं आती हैं, उस पर कानून बनता है। तो ऐसी स्थिति में संविधान के विकास में ये अधिनियम भी महत्वपूर्ण माना जाता है। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्य संख्या में बढ़ोतरी की गई और केंद्रीय विधान परिषद की सदस्य संख्या 12 से 16 के बीच में रखी गई। तो सदस्य संख्या इसमें बढ़ाई गई केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में, ये 12 से 16 के बीच में जो कर दिया गया। इसी तरीके से परिषद को और अधिक शक्ति प्रदान किया गया और यहाँ पर बजट और प्रश्न, केंद्रीय विधान परिषद की एक तरफ तो सदस्य संख्या बढ़ाई गई जो कि एक व्यापक आधार प्रदान करता है, उसी तरीके से उस परिषद को बजट पर और प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। यहाँ पर एक चीज ये ध्यान में रखना है कि वो प्रश्न पूछ सकता था और जो उत्तर प्राप्त होता था उसी को उसे सुनना पड़ता था, उसमें पुनः वो काउंटर यानी कि पुनः वो पूरक प्रश्न सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस वो नहीं पूछ सकता था जिससे कि पूरे विषय पर एक स्पष्ट और स्वस्थ चर्चा वहां हो सके। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर केवल 2 ही प्रावधान किए गए। आगे आप देखेंगे कि इसमें और भी कुछ जोड़ा जाएगा अगले अधिनियम में। तो इस तरीके से सदस्य संख्या और बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने की व्यवस्था दी गई। अगला एक इसमें जो महत्वपूर्ण प्रावधान था वो इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव की जो व्यवस्था कर दी गई थी, अप्रत्यक्ष चुनाव की जो है व्यवस्था की गई। तो इस तरीके से ये सारे जो प्रावधान थे वो 1892 के भारत परिषद अधिनियम में ये व्यवस्थाएं की गई और ये व्यवस्थाएं भारत के संवैधानिक विकास की दिशा में अग्रसर थे। तो इस तरीके से 1892 के भारत परिषद अधिनियम में ये व्यवस्थाएं की गई। अब हम चर्चा करेंगे 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। 1909 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम में सेम जो व्यवस्थाएं यहां पर की गई थी उसी व्यवस्था में परिवर्तन किया गया, अर्थात ये दोनों अधिनियम एक तरीके से जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि जहां पर केंद्रीय परिषद की सदस्य संख्या यहां पर बढ़ाई गई वैसे ही सदस्य संख्या यहां पर भी बढ़ाई गई और यह सदस्य संख्या जहां पर 12 से 16 कर दी गई थी वहां पे 16 से 60 कर दी गई। तो इस तरीके से परिषद की सदस्य संख्या यहां पर बढ़ाई गई है और जिस तरीके से यहां पर इस अधिनियम में जो 3 व्यवस्थाओं में बजट के प्रश्न था और पूछ सकते थे प्रश्न वो लोग, उसी तरीके से इसमें पूरक प्रश्न पूछने की व्यवस्था की गई, पूरक प्रश्न पूछने की इसमें व्यवस्था की गई। और 2 व्यवस्थाएं जो पूर्व में अधिनियम में व्यवस्था की गई थी कि वो बजट पर बहस कर सकता है, प्रश्न पूछ सकता है, वो दोनों व्यवस्थाएं यहां पर विद्यमान थी। उसके साथ में एक पूरक प्रश्न का भी जो है प्रावधान यहां पर लाया गया। तो इस तरीके से इसमें अगर देखा जाए तो थोड़ी सी व्यवस्था पूर्व के अधिनियम से और ज्यादा शक्तिशाली परिषद को बनाए जाने का प्रावधान किया गया था। और इसके साथ साथ 1909 के भारत परिषद अधिनियम में, 1909 के भारत परिषद अधिनियम में जो एक सबसे बड़ी बात थी वो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था। ये सबसे आमूलचूल और भारतीय व्यवस्था में परिवर्तन करने वाला, भारत में फूट डालने और राज्य करने की नीति का समर्थन करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था, पृथक निर्वाचन
क्षेत्र की जो है पृथक निर्वाचन क्षेत्र की जो है व्यवस्था ये मुसलमानों के लिए किया गया था। यहाँ पर तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र का तात्पर्य जहाँ पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र था वहाँ पर मुसलमानों की जनता के द्वारा ही मुस्लिम कैंडिडेट यानी कि उम्मीदवार का चयन किया जाता था, तो ये व्यवस्था उनके लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था होगी। जबकि भारत की स्वस्थ व्यवस्था और लोकतांत्रिक परंपरा को विकसित करने के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था करके फूट डालने और राज्य करने की नीति का समर्थन किया गया। इसी पर मिंटो ने जो मार्ले को लिखा मिंटो ने मार्ले को लिखा कि हम नाग के दांत बोर हैं जिसके फल अत्यंत भीषण होने वाले हैं। कहने का तात्पर्य उसका इसी तरफ संकेत था। इसीलिए के मुंशी ने इस अधिनियम को उभरते हुए लोकतंत्र को मार डालने वाला अधिनियम भी जो है कहा गया था, क्योंकि इसके माध्यम से एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा के विकास में बाधा उत्पन्न हो रही थी। इस अधिनियम को 1909 की भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इन दोनों क्षेत्र में सुधार तो किया गया लेकिन यहाँ पर एक नकारात्मक जो है विशेषता को एंट्री दी गई, एक नकारात्मक विशेषता जो कि भारत में फूट डालने और राज्य करने की नीति पर आधारित था, तो यहाँ पे ये एक नकारात्मक व्यवस्था की गई थी। मार्ले उस समय भारत के राज्य सचिव थे और मिंटो यहाँ के वायसराय थे, इसलिए उनके नाम पर ये मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से 1892 और 1909 का जो परिषद अधिनियम था वो दोनों में काफ़ी कुछ समानताएं हैं। और जैसे अप्रत्यक्ष निर्वाचन था वहाँ पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई, जहाँ पर बजट और प्रश्न पर बहस कर सकते थे यहाँ पर पूरे प्रश्न पर जो है पूछने की व्यवस्था दी गई। जहाँ पर सदस्य संख्या 12 से 16 थी वहाँ पर सदस्य संख्या 60 कर दी गई। तो इस तरीके से इन दोनों के अधिनियम को अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें तो हमें याद करने में भी आसानी होगी और हमारे पास एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो इस तरीके से अब हम आते हैं 1919 के भारत परिषद अधिनियम के पर चर्चा करते हैं। 1919 का भारत परिषद अधिनियम मार्ले जिस तरीके से मार्ले मिंटो सुधार 1909 का था उसी मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार के नाम से मॉन्टेग्यू उस समय भारत के राज्य सचिव और जेम्स फोर्ड वायसराय थे, तो उन्हीं के नाम पर ये अधिनियम का नाम मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ये अधिनियम 1921 ईस्वी में लागू किया गया था, 1919 के अधिनियम के नाम से आया था। 1921 ईस्वी में क्योंकि कई बार ये भी सवाल पूछा जाता है कि 1909 का अधिनियम कब लागू किया गया, तो 1921 में ये अधिनियम लागू किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 इन दोनों की व्यवस्थाओं का भी तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है, जिस तरीके से हमने इन दोनों का अध्ययन किया और दोनों की व्यवस्थाएं क्रमागत रूप से बदलती हुई हैं, उसमें एक उत्तरोत्तर एक क्रम का विकास होता है, एक स्तर का विकास होता है, जो दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करने से जो है इसमें आसानी होती है। तो भारत परिषद अधिनियम 1919 इसमें सूचियों के माध्यम से विषयों का केंद्र और राज्यों में वर्गीकरण कर दिया गया। तो सूचियों के माध्यम से विषयों का वर्गीकरण कर दिया गया और केंद्रीय विषय पर केंद्र और प्रांतीय विषयों पर प्रांतीय विधान परिषदों को कानून बनाने शासन करने का अधिकार दे दिया गया। इसमें जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था थी वो द्वैध शासन, द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। द्वैध शासन का तात्पर्य यहां पर जो भी विषय थे, जैसे प्रांतों में जो विषय दिए गए थे उन विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित दो विषयों में विभाजित कर दिया गया। तो आरक्षित जो विषय थे उस पर वायसराय को अपने कार्यकारिणी परिषद के माध्यम से शासन संचालित करने का अधिकार दे दिया गया। और सबसे जो बड़ी बात है कि इस कार्य के लिए उसे विधान परिषद के प्रति जो है उत्तरदायी भी नहीं बनाया गया। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर वायसराय की जो है सीमित शक्तियों का भी प्रावधान देखा जाता है। और जो हस्तांतरित विषय थे, हस्तांतरित विषय पर जो मंत्री शासन करते थे और वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। तो इस तरीके से द्वैध शासन विषयों को दो वर्गों में बांटने और उसके माध्यम से शासन संचालित करने की व्यवस्था का एक नाम था जो द्वैध शासन के रूप में जाना जाता था। यह व्यवस्था प्रांतों में लागू की गई थी केवल, तो प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था की गई। इसमें जो अगली व्यवस्था है वो द्विसदनात्मक व्यवस्था,
द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई, विधानसभा और राज्य परिषद। विधानसभा निम्न सदन था, लोकप्रिय सदन था, और राज्य परिषद उच्च सदन था। तो इस तरीके से द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। इस यहां पर आप देखेंगे कि इन तीनों ही बिंदुओं में, तीनों ही विशेषताओं में बांटने की बात की गई, सूचियों के माध्यम से विषयों का वर्गीकरण, द्वैध शासन यानी कि दो भागों में वितरण, द्विसदनात्मक व्यवस्था यानी कि दो। तो ये तीनों ही जो व्यवस्थाएं हैं वो एक तरीके की हैं, इसलिए एक जगह पे लिखा गया है और याद करने में आसानी हो कि तीन प्रकार की व्यवस्थाएं जिसमें बांटने की, सूचियों के माध्यम से विषयों का वर्गीकरण, द्वैध शासन यानी कि आरक्षित और हस्तांतरित विषयों का वर्गीकरण प्रांतों में, द्विसदनात्मक यानी कि पूरी व्यवस्था का जो लेजिस्लेशन होता है उसको दो भागों में बांट दिया गया, जैसे वर्तमान समय में लोकसभा और राज्यसभा है, उसी तरीके से विधानसभा और राज्य परिषद उस समय हुआ करता था। तो इस तरीके से यहाँ पर एक व्यवस्था में जो है परिवर्तन किया गया। आप देखेंगे यहाँ पर प्रत्यक्ष चुनाव की भी व्यवस्था, इन तीनों के साथ साथ जो है यहाँ पर प्रत्यक्ष चुनाव, लेकिन प्रत्यक्ष चुनाव अत्यंत ही सीमित था क्योंकि बहुत ही कम सदस्यों का चुनाव किया जाना इसके अंतर्गत प्राविधानित किया गया था। प्रत्यक्ष चुनाव के साथ साथ जो मतदान, जो मतदान की जो व्यवस्था है वो भी बनाई गई, किंतु मतदान अत्यंत ही सीमित आधारों पर दिया गया, संपत्ति के आधार पर, टैक्स के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, इन सभी आधारों पर उसको अत्यंत ही सीमित कर दिया गया। और ये मूल्यांकन किया जाए तो मुझे जहां तक लगता है कि ये 10% के आसपास उस समय पूरे जनसंख्या के लोगों का 10% लोगों को मताधिकार प्राप्त हो पाया था। तो इस तरीके से यहाँ प्रत्यक्ष चुनाव मतदान की जो पूरी व्यवस्था थी वो बहुत ही सीमित स्तरों पर की गई थी। तो ये दोनों एक तरीके की जो व्यवस्था है मतदान और प्रत्यक्ष चुनाव की, जो इसके माध्यम से किया गया था। यहाँ पर 1919 की भारत परिषद अधिनियम ने जो चुनाव में शामिल होने की बात थी, मताधिकार की बात थी, वो तो की गई, परंतु यहाँ पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था जो है वो दलितों के, यहाँ पर आंग्ल भारतीय के लिए, यूरोपियों के लिए, सिख के लिए और ईसाई के लिए, इन चारों के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को की गई। अर्थात जो वहां पर पूर्व में देख रहे थे आप लोग कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, उस निर्वाचन व्यवस्था को और पृथक निर्वाचन के लिए इन आंग्ल भारतीय, यूरोपीय, ईसाई और सिखों के लिए भी विस्तृत किया गया, यानी कि फूट डालने और राज्य करने की नीति को और आगे बढ़ाया जाने लगा, क्योंकि ऐसा करके वह राष्ट्रवाद की भावना पर कुठाराघात कर रहे थे। तो यहाँ पर ये व्यवस्थाएं भी देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर लोकायुक्त, ब्रिटेन में लोकायुक्त की व्यवस्था और भारत में राज्य लोक सेवा आयोग का भी प्रावधान किया गया। तो लोकायुक्त एक ऐसी व्यवस्था होती है बेसिकली, जैसे उच्चायुक्त की व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। यहाँ पर उच्चायुक्त का जो प्रावधान किया गया था, तो उच्चायुक्त का काम दो देशों के बीच में होने वाले कार्य, दोनों देशों के बीच के संबंधों पर चर्चा होती है, क्योंकि उसके लिए यहाँ पर राज्य सचिव पहले से किया गया था। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो कुछ काम राज्य सचिव के उच्चायुक्त को हस्तांतरित कर दिया गया था। इसी तरीके से जो राज्य लोक सेवा आयोग बनाया गया था इस अधिनियम के माध्यम से, उसका गठन भारत में 1926 ईस्वी में जो स्थापित हुआ, राज्य लोक सेवा आयोग का गठन 1926 ईस्वी में किया गया था, लेकिन अधिनियम था 1919 का भारत शासन अधिनियम। तो इस तरीके से इतनी व्यवस्थाएं भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत जो की गई थी। अब हम चर्चा कर रहे हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम। आप देखेंगे कि इसी प्रकार की व्यवस्थाओं में परिवर्तन करते हुए 1935 का भारत परिषद अधिनियम भी था। भारत परिषद अधिनियम एक बहुत ही व्यापक और ब्रिटिश शासन के द्वारा बनाया गया अंतिम और सबसे बड़ा जो अधिनियम था, जो संविधान का आधार भी बना था। इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। तो इस तरीके से यह संविधान निर्माण का भी आधार बना था। इससे लगभग 200 अनुच्छेद को भारतीय संविधान में अपनाया गया था। तो इस तरीके से यह कहा जा सकता है कि भारत शासन अधिनियम
भारतीय संविधान के पूर्व की एक व्यापक आधार और व्यवस्था प्रदान करता है। तो इसके अंतर्गत एक जो व्यवस्था की गई थी वो संघ की व्यवस्था की गई थी। संघ भारतीय ब्रिटिश राज्य और देशी रियासतों को मिलाकर बनाए जाने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन इसमें देशी रियासत कभी भी शामिल होने के लिए सहमति व्यक्त नहीं की। ऐसी स्थिति में ये व्यवस्था कभी भी धरातल पर नहीं आ सकी, अर्थात संघ की व्यवस्था कभी लागू नहीं हो सकी। दूसरी तरफ जो द्वैध शासन की व्यवस्था 1919 के भारत परिषद अधिनियम में प्रांतों में लागू की गई थी, तो यहां पर प्रांतों में उत्तरदायी शासन व्यवस्था लागू कर दी गई। प्रांतों में उत्तरदायी शासन, ये आप अगर देखेंगे तो क्रमागत ही परिवर्तन हो रहा है। जैसे 1919 में प्रांतों में उत्तरदायी शासन व्यवस्था लागू की गई थी, वैसे द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी, उसी तरीके से यहां पर केंद्र में द्वैध शासन। तो अब जो व्यवस्था 1919 के भारत परिषद अधिनियम में प्रांतों में की गई थी द्वैध शासन व्यवस्था, अब वो 1935 के भारत परिषद अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था कर दी गई, और जो पूर्व की द्वैध शासन व्यवस्था प्रांतों की थी वो यहां पर उत्तरदायी शासन व्यवस्था कर दी गई। अर्थात यहां पर वायसराय के माध्यम से मंत्रियों के द्वारा शासन का संचालन सभी विषयों पर किया जाने लगा, और जो वर्गीकरण था आरक्षित और हस्तांतरित का वो समाप्त कर दिया गया, और वो मंत्री विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होने लगे। यद्यपि ये शासन व्यवस्था बहुत ही सीमित समय के लिए चली थी, जो है शायद 1937 से लेकर के 1939 के बीच तक ही ये व्यवस्था भारत में लागू थी, और उसके बाद इसे समाप्त कर दिया गया था। तो केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था इस अधिनियम के माध्यम से यहां पर बनाई गई थी। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट जो व्यवस्था थी, जैसे यहां पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था पिछले भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत सिख, ईसाई, यूरोपीय और अन्य भारतीयों को दिया गया था, उसी तरीके से यहां पर यह दलितों के लिए भी दे दिया गया महिला और मजदूर को। दलित, महिला और मजदूर को भी पृथक निर्वाचन। आप देख रहे हैं कि 1935 में लगातार पहले मुस्लिम को, फिर इसके बाद अन्य भारतीय, यूरोपीय, सिख और ईसाई को, अब यहां पर दलित, मजदूर और महिलाओं को ये व्यवस्था प्रदान कर दी गई। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो एक तरफ कुछ सुधार भी हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ इन प्रावधानों में कुछ नकारात्मक गतिविधियां भी प्रविष्ट हो रही थी, जो कहीं ना कहीं भारतीय राज व्यवस्था में राष्ट्रवाद के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास में बाधक था। और यहाँ पर कुछ व्यवस्थाएं, RBI की स्थापना पहली बार यहाँ पर की गई, क्योंकि 34 के अधिनियम के द्वारा इसको स्थापित करने का प्रावधान किया गया था, जिसे 1935 में समुचित कर दिया गया। RBI था, संघीय न्यायालय, संघीय न्यायालय। और एक व्यवस्था जो भारत शासन अधिनियम 1919 में राज्य लोक सेवा आयोग था, यहां पर वो संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। ये व्यवहार में 1937 ईस्वी में स्थापित की गई। तो इस तरीके से देखेंगे तो हमारे यहाँ ये दोनों एक तरीके का अधिनियम है, ये एक तरीके का है, एक तरीके। तो इस तरीके से अगर हम तुलनात्मक रूप से दोनों को लेकर के चलेंगे, दो अधिनियम को, तो हमें तैयार करने में आसानी होगी, और चीजों का एक, व्यवस्थाओं का एक क्रमिक रूप से हम परिवर्तन व्यवस्था में देखेंगे, और इन सभी अधिनियमों का, व्यवस्थाओं का कहीं ना कहीं भारत के संविधान के निर्माण में योगदान था। क्योंकि जैसे प्रश्न पूछने का बजट पर चर्चा करने की जो व्यवस्था की गई, वो देखा जाए तो भारत संविधान में भी ये व्यवस्थाएं आज की डेट में भी विद्यमान है। तो कहीं ना कहीं इन सभी अधिनियमों का भारत के संविधान के निर्माण में योगदान रहा है, इसीलिए भारत के संविधान के विकास में हम इन सभी अधिनियमों का अध्ययन करते हैं और एक जानकारी प्राप्त करते हैं, और कहीं ना कहीं समुचित रूप में कुछ परिवर्तन और व्यवहारिकता को ध्यान में रखते हुए इन अधिनियमों के प्रावधानों को भारतीय संविधान में भी लागू कर लिया गया। तो आज का ये टॉपिक भारत का संवैधानिक विकास था, भारत के संवैधानिक विकास पर हम लोगों ने चर्चा किया, ये इसका दूसरा और अंतिम भाग था। आप लोग इसका अध्ययन कीजिए, अपने
पाठ्यक्रम की व्यवस्थित ढंग से अध्ययन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सकें और आपको ये वीडियो आपको प्राप्त हो सके। आप अपने तैयारी को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाइए। अगले लेक्चर पे पुनः हम आप लोगों से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।